हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं देने जा रहा हूं टाटा जेस्ट का एक डिटेल रिव्यू। तो यहां पे इसके की की बात करें तो इस प्रकार की इसकी की है, जो कि नॉर्मल लगभग सभी कार में इसकी की होती है, लॉक अनलॉक और ये फॉलो मी बटन जो कि इस प्रकार से है। और यहाँ पर ये है इसकी सेकेंड की। और इसके फ्रंट की बात करें तो इस प्रकार से फ्रंट की लुक काफ़ी अच्छी दिखती है। और यहाँ पे आप फ्रंट ग्रिल की बात करें तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ग्रिल मिलती है ब्लैक सी, और यहाँ पे आपको बीच में मिलता है टाटा का लोगो। और नीचे की बम्पर की बात करें तो यहाँ पे इस प्रकार की ग्रिल मिलती है। यहाँ पे आप हेडलैम्प्स की बात करें तो यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं, और नीचे मिल जाती है आपको फॉग लैम्प्स। और इस प्रकार की यहाँ पर आपको लुक है। और साइड की बात करें तो साइड की लुक इस प्रकार से है। इसके इंजन की बात करें तो ये डीजल इंजन है 1.3 लीटर की। और इसके ORBM की बात की जाए तो ORBM आपको बॉडी कलर में मिलती है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है इंडिकेटर। इस प्रकार की लुक है इसकी। और अगर हम टायर साइज की बात करें तो टायर साइज यहाँ पे आपको मिलता है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए 185/60R15 की टायर आपको मिलती है, और यहाँ पर आपको स्टील व्हील आपको मिल जाती है इस मॉडल में। और रियर की बात करें तो यहाँ पे आप टेल लैंप की बात करें तो इस प्रकार की इसकी टेल लैंप है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रियर में यहाँ पे आपको बैजिंग की हुई है XMS की बैजिंग, और यहाँ पे आपको टाटा का लोगो बीच में दिया गया है। और इधर साइड में आते हैं तो यहाँ पे आपको जेस्ट की बैजिंग की हुई है। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी रियर कैमरा नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको सेंसर मिल जाते हैं, जो कि इसमें आपको 4 सेंसर दिए गए हैं। और आपको मैं बूट खोलकर दिखा देना चाहता हूँ। तो ये देखिए इसका बूट, काफ़ी बड़ा सा इसका बूट है। यहाँ पे आपको टूल किट वगैरह मिल जाते हैं। और नीचे की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है स्पेयर व्हील। देखिए इस प्रकार से स्पेयर व्हील यहाँ पे मिलता है, जो कि स्टील व्हील में ही है। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह की डिफोगर या फिर किसी भी तरह की रियर वाइपर नहीं मिलती है। आपको नॉर्मल यहाँ पे एंटीना मिल जाता है, और यहाँ पे आपको स्टॉक लैंप मिल जाते हैं। देखिए इस प्रकार से इसका लुक है साइड का। अब चलिए इस कार के अंदर चलते हैं, मैं आपको एक बार फिर से फ्रंट की ओर ले जाता हूं। चलिए इस कार के अंदर चलते हैं। और यहां पे डोर की बात करें तो यहां पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं पावर विंडो के, और ये ORBM की कंट्रोल। और यहाँ पे आपको डोर नोब पे किसी भी तरह की कोई भी क्रोम फिनिश वगैरह नहीं दी गई है। और ये है आपका छोटा सा स्टोरेज यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे आप बात करें स्टेयरिंग व्हील की, तो यहाँ पे आपको स्टेयरिंग पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं वॉल्यूम माइनस प्लस वगैरह के, और इधर भी आपको कॉल से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो देखिए इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। मैं की को इंसर्ट कर लेता हूं यहां पे। देखिए इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहां आपको मिलती है। और ये है आपका म्यूजिक सिस्टम, जो कि आप देख पा रहे हैं। और ये है आपका एसी वेंट्स, जो कि आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। और इधर की जो एसी वेंट्स है, यहाँ पर भी आपको क्रोम फिनिश दी गई है। ये डुअल टोन इंटीरियर यहाँ पे दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। और IRBM की बात करें तो डे एंड नाइट IRBM आपको यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे आपको रूफ लाइट भी मिल जाती है एक। और वैनिटी मिरर की बात करें तो यहाँ पे आपको को ड्राइवर साइड मिलता है वैनिटी मिरर, और ड्राइवर साइड आपको किसी भी तरह की कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलती है। इसके ग्लोव बॉक्स की बात करें तो ग्लोव बॉक्स में आपको दिखा देना चाहता हूं, इस प्रकार की इसकी ग्लोव बॉक्स है, जो कि काफी बड़ी है, एकदम अंदर तक इसकी ग्लोव बॉक्स है। और यहां पे ब्लैक पियानो फिनिश भी यहां पे ऊपर में दिया गया है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है इस कार में। और यहां पे आप देख पा रहे होंगे एसी के कंट्रोल्स।
जो कि यहाँ पे मैनुअल एसी आपको दिया जाता है इस मॉडल में। और नीचे आते तो यहाँ पे आपको यूएसबी और ऑक्स का एक पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे फोगलेम्स के स्विच दिए गए हैं। और यहाँ पे नीचे आप आते हैं सेंट्रल कंसोल में, तो यहाँ पे आपको एक कप होल्डर मिलता है, और यहाँ पे 12 वोल्ट की चार्जिंग पोर्ट मिलती है एक इस प्रकार से। और ये है 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स की नॉब जो कि आप देख पा रहे हैं। आपको टियागो और टिगोर में भी यही गियर नॉब मिलती है। और यहाँ पे आप सेंट्रल कंसोल में देखें तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्टोरेज मिलता है, और पीछे किसी भी तरह की कोई भी स्टोरेज नहीं मिलती है इस मॉडल में, इस कार में। और देखिए फ्रंट की लुक। तो फ्रेंड्स अब चलिए इस कार के रियर की सीट पे जाते हैं, और वहाँ पे जाके देखते हैं कि इसकी सीट की कंफर्ट क्या है। हालांकि यहाँ पर भी आप देखें तो सीट की कंफर्ट काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पे एडजस्टेबल सीट हेडरेस्ट दिया गया है फ्रंट में दोनों सीट पे। अब पीछे पे जाकर देखते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार की सीट है। सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, और आइए पीछे की ओर चलते हैं। और यहाँ पे आप सीट को एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे रियर की डोर की बात करें तो यहाँ पर भी आपको पावर विंडो के स्विच मिल जाते हैं, और डोर ओपनर पे किसी भी तरह की कोई भी क्रोम फिनिश नहीं दी गई है आपको। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्टोरेज मिलता है। और यहाँ पे आप रियर सीट की बात करें तो आपको किसी भी तरह की एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलती, आपको फिक्स हेडरेस्ट यहाँ पे मिलता है। और सीट के कंफर्ट की बात करें तो ठीक ठाक लग रही है, कुशनिंग भी ठीक लग रही है। अब यहाँ पे बैठकर मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी जो सीटिंग कंफर्ट है वो किस ढंग से है, और यहाँ पे थाई सपोर्ट किस प्रकार से मिलता है। तो थाई सपोर्ट भी अच्छी है, और इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि रियर की सीट से इस प्रकार से आपको डैशबोर्ड दिखती है, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे दिख रहा है ये। तो अगर आप टाटा जेस्ट लेने की सोच रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी पहुँच सके। और इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।